स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। आज हम क्लास 9 की साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होती है? ये मूवमेंट होता है वाटर का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तक थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये मूवमेंट है वाटर का, अगर मूवमेंट होता है एयर का तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन बोल देते हैं। सो द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू ए सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन और थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सो आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या कुछ ही मटेरियल्स को एंट्री और एग्जिट करने देती है, सारे और बाकी जो मटेरियल्स होते हैं जो वेस्टेड मटेरियल होते हैं उनको प्रिवेंट करती है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल व्हाइल इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। सो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मूव टू थर्ड क्वेश्चन, नेम द ऑर्गेनेल नोन एज सुसाइडल बैग। सो जो भी ऑर्गेनेल होते हैं सेल के उसमें एक ऑर्गेनेल ऐसा होता है जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं और उस ऑर्गेनेल का नाम क्या है? लाइसोसोम। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड व्हाई। सो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्यों कहते हैं? सो माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल होता है जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हमारी लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी के लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए, वो कहाँ पे बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी के फॉर्म में बनती है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एटीपी है इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनती है बॉडी में वो किसके फॉर्म में बनती है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बनती है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल। सो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है? प्लांट सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ऑफ सेल वॉल। तो जो प्लांट सेल है उसमें जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? सेल वॉल की होती है। वहीं अगर हम एनिमल सेल में देखें तो जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। अब इसमें प्लास्टिड जो ऑर्गेनेल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। जो वैक्यूल ऑर्गेनेल है वो प्लांट सेल में लार्ज होता है और जो एनिमल सेल में स्मॉल होता है। सो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ऑफ सेल वॉल, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट। एनिमल सेल की बात करें तो द आउटर मोस्ट कवरिंग इज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स आर अब्सेंट, स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।